मस्जिद के लिए शोर मचा रही बुरके वाली महिला को जर्मनी पुलिस ने घूंसों से पीटा, जिसकी वीडियो देख पाकिस्तानी मीडिया शॉक में। ये है जर्मनी आज की डेट में। भाग भाग के हर बंदा पाकिस्तान से बाहर जाना चाहता है और वहाँ जाके पाकिस्तानियों की क्या रिस्पेक्ट है वो आप लोग देख रहे हैं। पुलिस की जानिब से ठुड्डे मारे जा रहे हैं, मुक्के मारे जा रहे हैं। मैं खुद जर्मन से आई हूँ और वहाँ पे पाकिस्तानियों की इज्जत बिल्कुल भी नहीं है। और ये सारे वहाँ पर इकट्ठे हो गए कि आप ये मस्जिदें बंद नहीं कर सकते। जर्मनी ने ये बोला है कि ये जो जिहाद की फैक्ट्री है इसे हम बंद कर देंगे। और जो वहाँ पे हालत की है उसने लेडीज के साथ, बुरके वाली लेडी, ये उस सब का नतीजा है जो स्लोली एंड ग्रेजुअली भेजा जा रहा था, जो हो रही थी। अभी जो सारी सिचुएशन है इसमें पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? जिन्होंने सुनना है वो सुनी अनसुनी किए हुए हैं। और अभी सारी सिचुएशन में सूरत हाल में जब कुछ दिखाई नहीं दे रहा तो एक चीज बड़ी वाजे है और वो है अदम बर्दाश्त। तो ये इसको कहते हैं शुमी किस्मत। ये जब आपकी जो करतूतें आप करते हैं उसके नतायज भुगतने के लिए फिर आपको तैयार रहना चाहिए। अब फिर मुझे इस बात का एहसास हुआ कि हाँ, जो माशाल्लाह से हमारा हाल है, हमारी इज्जत करना बनती नहीं। ये जो वॉयलेंस है ये कम्युनल हो गए हैं, एज इन ये आइडेंटिटी की लड़ाई हो गई है। ये क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन हो रहे हैं या ये क्लैश ऑफ जिसे कह लीजिए आइडियोलॉजीज हो रही है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपी गन चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया के अंदर इस समय ऐसी बहुत सारी वीडियो वायरल हो रही है जिसमें देखा जा सकता है कि किस तरह से जो पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी सोच वाले हैं, वो अपने धर्म के नाम पे दूसरे देशों के अंदर धरने प्रदर्शन, जो कि लगभग हर समय उग्र हो जाती है, और जिसका नतीजा यह हो रहा है आजकल कि विदेशों में इनकी जमकर पिटाई भी हो रही है। और खासतौर से यह मसला अभी पूरे यूरोप के अंदर देखा जा सकता है कि किस तरह से अब यूरोप भी जो लिबरलिज्म की बात करता है और शरणार्थियों को लेने की बात करता है कि पास्ट में इन यूरोप देशों ने किया भी, लेकिन उसके बाद जो अब नतीजा इन देशों को भुगतने पड़ रहे हैं उन शरणार्थियों के कारण, खासतौर से जो पाकिस्तानी सोच के लोग हैं उनके कारण, जिसका नतीजा अब यह निकला है कि इन यूरोपियन देशों को भी बर्दाश्त करने की क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, वो लगती है भर गई है। क्योंकि न सिर्फ यूरोपियन जनता बल्कि उसी के साथ साथ उनके पुलिस फोर्स भी उग्र धरने प्रदर्शन कर रहे इन पाकी सोचों को ठोके जा रहा है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सहयोग दें। बड़ी ही मजेदार खबर वो आई है यूरोप से। वही यूरोप जो पहले कहता था बड़े जोर जोर से कि मुसलमान जो है ये भी इंसान होते हैं, लेकिन आज इनको पता लग गया कि इंसान कौन है। और एक पहले तो शुरुआत ही करते हैं वीडियो से, ताकि आपको पता लगे जर्मनी जो सबसे बड़ा ठेकेदार बनता था ह्यूमन राइट्स का, आज ह्यूमन राइट्स की वहां पर सिचुएशन क्या है। ये है जर्मनी आज की डेट में। और ये सारे वहां पर इकट्ठे हो गए कि आप ये मस्जिदें बंद नहीं कर सकते। जर्मनी ने ये बोला है कि ये जो जिहाद की फैक्ट्री है इसे हम बंद कर देंगे। और मजे की बात यह है, 6 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाया था इसी मस्जिद के ऊपर, जिसको आज बैन कर दिया गया है कि जर्मनी इसे बैन करने वाला है। और यह न्यूज मुझे चाइना से मिली थी कि चाइना ने प्रेशराइज किया था जर्मनी को कि अगर तुमने अपने को बचाना है तुम्हें ये जिहाद की फैक्ट्रियां बंद करनी पड़ेंगी, जैसे मैंने पब्लिक टॉयलेट बना दिया है इनकी जिहाद की फैक्ट्रियों को। जो जिहाद की फैक्ट्रियां है वो एक एक करके बंद हो रही शुरू हो गई है, वो भी जर्मनी से। ठेकेदार है फ्रीडम ऑफ स्पीच का। सर, आज फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर ये जो वीडियो दिखाई है हमने और जो वहां पे हालत की है उसने लेडीज के साथ, बुरके वाली लेडी। सुमित जी देखिए, पूरे यूरोप में लगभग कुछ ऐसा ही माहौल चल रहा है इस वक्त, और जर्मनी ने सबसे ज्यादा सख्त कदम लिए हैं, क्योंकि जो भी मुस्लिम पॉपुलेशन वहां पे शरणार्थियों के तौर पे पहुंची, जैसे जैसे उनकी संख्या बढ़नी शुरू हो गई वहां पे, तो वहां पे फिर उन लोगों ने अपना ही तौर तरीका अपनाना शुरू करा। उस देश के जो लॉ एंड ऑर्डर था, जो उनके उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, उनको फॉलो करने से उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर हम इस देश में रहेंगे तो हम अपना ही शरिया लॉ फॉलो करेंगे। जब इस चीज पे वहां पे कड़क कार्रवाई करने की बात करी गई तो वो लोग भड़क गए और उन्होंने जगह जगह पे आर्जनी करनी शुरू कर। जब जर्मनी ने देखा कि उल्टा जिनको हमने शरणार्थियों की तरह यहाँ पे शरण दिया इस देश के अंदर, वही आ जाओ हम पे आंख दिखा रहे हैं, हमसे लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे लोगों को तकलीफ दे रहे हैं, तो उन्होंने फैसला करा कि ये जो क्रैकडाउन है अब इनको करना ही पड़ेगा। और जो मस्जिद है वहां की, जो सबसे बड़ी मस्जिद है जर्मनी की, उस पे कार्रवाई होगी, उसको बंद कर दिया जाएगा और साथ में कई सारी और मस्जिदों को
उन्होंने बुलडोजर से गिरा दिया, बम लगा के गिरा दिया, उसके सफाया कर दिया गया वहां पे। तो ये काम इसलिए करा गया सुनील जी कि ये मस्जिदें जो थी उसके अंदर जो उनके इमाम थे उन्होंने वहां की जो लोकल मुस्लिम पॉपुलेशन है उनको भड़काना शुरू कर दिया था, उनको जिहाद की तरफ धकेलना शुरू कर दिया था। उन्होंने जो पॉपुलेशन वहां पे रोजी रोटी कमाने गई थी उनको गलत काम पे पूरी तरीके से लगा दिया। तो जर्मनी ने इसको मद्देनजर रखते हुए उनकी जितनी भी प्रोटेस्ट हुए, इनकी जितनी रैलियां निकली है उसको क्रश करने का फैसला लिया। उन्होंने ये परवाह नहीं करी कि कौन सामने आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, अगर कोई भी उनको वो विरोध कर रहा है तो उन्होंने बड़ी सख्ती से पेश आए। अब ये देखिए ये जो समझदार है समीर जी, ये सबसे ज्यादा औरतों को अपने सामने एक शील्ड के तरह इस्तेमाल करता है। तो जैसे ही जो लेडीज मुस्लिम लेडीज आगे बढ़ी उनके पीछे से मुस्लिम मर्द पीछे से उनके पीछे छुपके आ रहे थे, उनको भी फिर उनकी पुलिस ने उनकी दीवार को कुचल दिया गया, उनको फिर बैनर में भर के पुलिस स्टेशन लेके अब उन पर सख्त से सख्त आगे कार्रवाई हो रही है। जो जर्मनी के लॉ के हिसाब से उनका उनको बख्शा नहीं जाएगा। भाग भाग के हर बंदा पाकिस्तान से बाहर जाना चाहता है और वहां जाके पाकिस्तानियों की क्या रिस्पेक्ट है वो आप लोग देख रहे हैं। सोशल मीडिया पे हर जगह ये वीडियो वायरल हो रही है, पुलिस की जानिब से ठुड्डे मारे जा रहे हैं, मुक्के मारे जा रहे हैं। मैं खुद जर्मन से आई हूँ और वहाँ पे पाकिस्तानियों की इज्जत बिल्कुल भी नहीं है। और ये गलती क्या है, ये हम लोगों की अपनी है। मेरे स्कूल के अंदर, मेरे जो स्कूल के अंदर है वहाँ पे पाकिस्तानियों की बिल्कुल कोई इज्जत नहीं की जाती। बताओ कि पाकिस्तानी ये करते हैं, पाकिस्तानी वो हैं, ये खुद हम लोगों ने अपनी इमेज खराब की। आपके नजदीक ऐसी क्या वजह, आप जर्मनी से आई हैं, वहाँ स्कूल के अंदर एक अगर पाकिस्तानी स्टूडेंट की रिस्पेक्ट नहीं है तो फील्ड में क्या होगी, उसके क्या वजूहात आपने नोट किए हैं? वजूहात यही है कि जो हमारे रवैये हैं, जैसे अब कोई लड़की जा रही है अब उसे देखी जाएंगे ऐसे देखेंगे जैसे पता नहीं क्या है। अब वहाँ पे भी है, हम लोग अब जर्मन पहुँच गए हैं, पाकिस्तानी वहाँ जर्मन पहुँच गए हैं, लेकिन वहाँ पे भी नहीं उन्होंने रुकना। वहाँ पे तो अब थोड़ा सा तो एडिकेट्स दिखाओ कि हम लोग भी हैं इज्जतदार इस्लामी के कंट्री से हम लोग। यही बात तो वो कहते हैं, यूके वाले चीख चीख के कहते हैं, यूके के कई शहरों में उन्होंने कहा है कि यहाँ पे हमारी खवातीन को जो है पाकिस्तानी मर्दों की जानिब से हरासमेंट का निशाना बनाया जा रहा है, लिहाजा इनको निकाले हमारे मुल्क से बाहर। तो ये हम अपने आप को खुद ही बदलेंगे तो फिर ही कुछ होगा। इंग्लैंड के अंदर से खबर निकल रही है पाकिस्तानियों के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी जहां भी होते हैं वहां दंगे फसाद होने लग जाते हैं, वहां पर बसेस के ऊपर हमला किया जा रहा है, काफी एक्टिविटीज ऐसी हो रही है जिसमें पाकिस्तानियों का नाम लिया जा रहा है। तो क्यों इनके खिलाफ इस तरह की चीजें हो रही है, क्या सच में ये मुलव्वस होते हैं? तो क्यों इनके खिलाफ इस तरह की चीजें हो रही है, क्या सच में ये मुलव्वस होते हैं? इन माई ओपिनियन जो एक हमारी तरफ से लैक है वो ये है कि हम लोग अपनी पॉजिटिव इमेज को शो करने के लिए कुछ प्रॉपर मेजर्स नहीं ले रहे हैं। तो बट इन पास कुछ एक्टिविटीज ऐसी रही हैं ड्यू टू लैक ऑफ एजुकेशन के जिसकी वजह से पाकिस्तान की भी इज्जत खराब हुई और मुसलमानों की भी। तो ऑब्वियसली कुछ लोग ऐसे हैं कि जो लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से वहाँ जाते हैं, तो हमारे कुछ लोग इन्वॉल्व हैं भी और साथ में लॉबिंग भी की जा रही है हमारे खिलाफ